यही तो आसान बिजनेस है। अगर इसी तरह सारे लोग एक साथ में पांच साल अगर इसी तरह आपने आसान सिस्टम को फॉलो कर लिया, अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो कर लिया और टीसी छाबड़ा जी के सिद्धांतों का पालन कर लिया, तो 5 साल के बाद कोई माई कलाल आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। विश्वास है? तो बोलो जय आरसीओ। ₹198 आएगा। सक्सेस किसी भी क्षेत्र में और पर्टिकुलर आसन में सिर्फ जोश से आती है, एक्साइटमेंट से आती है, अटूट विश्वास से आती है। अगर आपकी कामयाबी आने वाली हो, अगर आपके सारे सपने पूरे होने वाले हों और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हो, तो जोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपने जय आसिम ऐसे बोला जैसे आसिम करके ₹198 आएगा। देखो विज्ञान ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया। अगर मैं बॉल को धीरे से दीवार में फेंकूं तो रिएक्शन क्या होगा? वो धीरे से टकरा कर क्या मेरे तक पहुंचेगी? अगर मैं थोड़ा और जोश बढ़ाऊं, थोड़ी और ताकत लगाऊं, थोड़ा और विश्वास बढ़ाऊं, थोड़ा और जोर से फेंकूं तो रिएक्शन क्या होगा? वो और टकराएगी, थोड़ी जोर से आएगी, मेरे से थोड़ा दूर जाके निकल जाएगी। लेकिन मैं अपने अंदर की पूरी ताकत लगाकर अटूट विश्वास से पूरे जोश के साथ फेंकू तो रिएक्शन क्या होगा? गोल टकराएगी दीवार से और सीधा मेरे मुंह पे आएगा। अगर इसी तरह अगले 5 साल तक आपने आने वाली कामयाबी के प्रति उतने ही जोश, उतने ही विश्वास, उतनी ताकत से काम किया, तो 5 साल के बाद स्टार भी आपके घर पर सीधा चल के आपको नीचे आएगा। विश्वास है? इसलिए जय आसिम जब भी बोले पूरे जोश के साथ बोले, पूरे एक्साइटमेंट के साथ बोले, क्योंकि कामयाबी 100% आने वाली है। तो 1, 2, 3 जय आसिम। उनका 10,000 बाकी का 2,98 सर। जयपुर का उद्योग मैदान 6 महीना हिला नहीं सका।
बहुत लोग वहां और चाहिए yes. और चाहिए yes. और जो और विश्वास वन टू थ्री जय दस हजार बार ओके फाइनल छत फट जानी चाहिए वन टू थ्री चार लेकिन ध्यान रखना किसी को क्लास हो बटन इतना जोर से मत बोलना मेरे ऊपर तो मैंने भाग जाए कहने का मतलब है कि अगर आज आप जितना पैसा आपको भविष्य में चाहिए उतना काम उतनी ताकत उतनी विश्वास आपको आज रखना पड़ेगा कर सकते हैं और इसीलिए सेमिनार में जब लोग आते हैं तो हर तरह के लोग हम आरसी बिजनेस में हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं बिजनेसमैन हैं जॉब वाले हैं गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब है ना किसान भी है हर तरह के लोग हैं और सबका अलग अलग लेवल का विश्वास होता है अलग अलग परसेंटेज का उनका जोश होता है अपनी कामयाबी के प्रति वो उसी अनुपात में उसी रेशियो में ताली बजाते हैं अब जैसे कुछ लोग आते हैं ताली कैसे बजाते हैं ऐसे लोग सुबह जो इन करते हैं शाम को रिटायर हो जाते उनका पांच साल में एक बार स्टेटमेंट बनता है आप तो रिटायर नहीं होते ना पांच साल कितने साल पांच साल पैसा आए या ना आए कम आए ज्यादा आए पांच साल किसी भी सिचुएशन में किसी भी परिस्थिति में रिटायर मत होना अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको अंदाजा नहीं है कि आपने चमत्कार सुने होंगे लेकिन पांच साल बाद आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार और कुछ लोग होते हैं जिनको पहले से कहीं से पैसा आता है आरसी बिजनेस में 99.99% लोग पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं हर व्यक्ति अपना जो काम कर रहा है उसके साथ में आरसी बिजनेस करता है और आरसी में पार्ट टाइम बिजनेस ही है तो देखिए इसमें हर तरह के लोग हैं अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले से पैसा आ रहा है कोई अच्छी जॉब में है अच्छी सैलरी आ रही है कोई अच्छा बिजनेसमैन है पैसा आ रहा है कोई डॉक्टर है पैसा आ रहा है कोई इंजीनियर है पैसा आ रहा है कोई एडवोकेट है पैसा आ रहा है कोई किसान है पैसा आ रहा है और आसिम से पैसा आ रहा है दुनिया में 99.99% लोग जो पैसा आ रहा है उनके भरोसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है ये जो पैसा आ रहा है इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम जब तक काम करोगे पैसा यानी जब तक डांस चल रहा है सोने में गब्बर सिंह का डायलॉग था बसंती जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे वीरू की सांसें चलेंगी उसी तरह जब तक उनका जब तक वो एक्टिव है तब तक पैसा और एक्टिविटी बंद पैसा ये जो एक्टिव इनकम है ये बहुत बड़ी धोखेबाज हो गई ये रातों रात धोखा दे सकती है और उसका जीवन तबाह हो सकता है उसका कैरियर तबाह हो सकता है ऐसे हजारों एग्जांपल हैं अभी आप देखें जेट एयरवेज जेट एयरवेज में कितने लोग सीजो थे ना कंपनी बंद हो गई रातों रात
अनएम्प्लॉयड हो गए। अभी आप देखेंगे बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, लोग कितने सिक्योर से, मतलब कि मेरी वहां से अच्छी पोस्ट है, मेरी अच्छी जॉब है, पैसा कहीं नहीं आने वाला, लेकिन उनको अभी 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा, क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसा और ऐसा उम्मीद है कि बीएसएनएल को भी सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। तो पुराने जितने हैं गए, ऐसा हजारों एग्जाम्पल है। मेरे रिलेशन में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, करीबन 50 साल का बिजनेस, एस्टेब्लिश बिजनेस, अच्छी इनकम, मैंने की इनकम होगी करीबन 1 करोड़ से ज्यादा, अरबों का टर्नओवर। सोचिए 60 साल पुरानी फर्म, इतना एस्टेब्लिश बिजनेस, इतनी अच्छी इनकम, क्या 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति कभी अपने आप को अनसिक्योर समझ सकता है? नो। लेकिन आज से 14-13 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ और उनका पूरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया और वो अपंग हो गए, बैक रिडन हो गए, मतलब उड़ भी नहीं पाएंगे। 2 बेटियां थी, बेटा कोई था नहीं, दोनों बेटे की शादी हो गई, बिजनेस संभालने वाला कोई वो था नहीं, और फिर भी उन्होंने चलाया स्टाफ के भरोसे। 2-3 साल में कंपनी लॉस में आ गई, महीने का खर्चा जो था इंप्लॉइज का, फैक्ट्रियों का, वो खर्चा करीबन 2-3 करोड़ का था, फिक्स एक्सपेंसेस। देखते 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 5-7 साल में उन्होंने 60 साल में जितना पैसा कमाया था जीरो। अभी वो हैंग टू हैंग एक एक पैसे के मोहताज हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्टिव इनकम। अभी आप देखिए कॉफी रेट सीसीबी कर लिया आपने, दिया 1000 करोड़ का टर्नओवर, इतनी बड़ी कंपनी लेकिन लॉस में आ गए। मालूम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्टिव इनकम। ये एक्टिव इनकम इतनी धोखेबाज होती है कि आपको रातों रात आपकी दुनिया बदल देगी। और आसिम से आती है पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। जो एक बार चालू होती है तो आपकी 60 पुश्तों तक वो पैसा देती रहती है और बढ़ते करते रहती है। गुणा करके देती है। हेलो, याद रखो जिंदगी में जिसके पास पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है, चाहे वो आज की डेट में कितना भी पैसा कमा रहा हो, वो हैंडीकैप है, वो सिक्योर नहीं है। अब देखिए पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्स है। पैसिव इनकम अगर आपने कोई बैंक में एफडी कर दिया है, वहां पर आप एक्टिव नहीं है लेकिन पैसा अपने आप बढ़ रहा है, पैसिव इनकम। अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट में शेयर में इन्वेस्ट किया है, आप एक्टिव नहीं है, शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, अपने आप आपकी इनकम बढ़ रही है। आपने कोई सोना खरीद लिया, अपने आप दाम बढ़ रहे हैं, आप एक्टिव नहीं है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, एक्टिव नहीं है, अपने आप दाम बढ़ रहे हैं। उसी तरह लेकिन इस सब में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और मंथली इनकम नहीं आती है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सिस्टम है जो आपको पैसिव प्लस रेशनल इनकम देता है, जो आरसीए बिजनेस है, जहां पर आपको मंथली इनकम भी आती है और गुणा करते हुए आपको इनकम हमेशा मल्टीप्लाई होती रहती है और 7 पुश्तों तक देती है। तो लोग एक्टिव इनकम के भरोसे इतने ज्यादा डिपेंडेंट है, इतने ज्यादा निर्भर है कि उनके लिए आसन ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं मिल पाता है। तो वो ताली कैसे बजाते हैं? ऐसे ज्यादातर लोग जॉइनिंग करने के 1 घंटे बाद कोमा में चले जाते हैं। आप तो कोमा में नहीं जाओगे, अगली बार आऊंगा तो पता चलेगा। 5 साल अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा हो, कम बढ़ रहा हो, लोग ना बोल रहे हो, नेगेटिविटी हो, लेकिन 5 साल कोमा में मत जाना। फिर देखोगे इस बिजनेस का सबसे बड़ा चमत्कार
मैजिक। और कुछ लोग होते हैं जो आसन के सेमिनार में सोने के लिए आते हैं, क्योंकि घर में दीदी सोने नहीं देते। सबसे पहले एडवांस टिकट वही कटाते हैं कि आसन के सेमिनार में जाकर 2 घंटे आराम से। उन्होंने सोने के लिए ही आसन ज्वाइन किया है। उनको आप कितना भी जगाने का प्रयास करो, ये देखो आसन में धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। उनको कितना भी जगाओ, ये देखो तुम्हारी एक साइड में इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, इतना बड़ा बिजनेस आ रहा है। उन्होंने सोने के लिए ही आसन ज्वाइन किया। और अगर उनको जगाने के चक्कर में जाओगे तो एक दिन खुद ही सो जाओगे। आप तो नहीं सो रहे हो ना, याद रखना 5 साल सोना कैंसिल। हेलो, 5 साल सोना। मैं पिछले 1 हफ्ते से सोया नहीं। अगर 5 साल अगर आपने सोच लिया कि मुझे केवल पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना है, भले मुझे सोने की जरूरत न पड़े, सोने नहीं मिले तो भी मुझे पैसिव इनकम 5 साल में क्रिएट करना है, अगर वो जज्बा आपके अंदर आ गया तो 5 साल के बाद कोई माई का लाल आपको करोड़पति वाला पति बन जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो जिनको कामयाबी से डर लगता है, जिनको अमीर बनने से डर लगता है, जिनको करोड़पति अरबपति बनने से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर मैं कामयाब हो गया, करोड़पति अरबपति बन गया तो बहुत सारा काम बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, लोग मेरे पीछे बढ़ जाएंगे, रिश्तेदार दोस्त, कोई इनकम टैक्स वाला, कोई गैंग पीछे बढ़ जाएगा। उनके माँ बाप बोलते कि बेटा मुझे पूरा विश्वास है तू कामयाब होगा। उनकी अपलाइन बोलती है कि मुझे पूरा विश्वास है तू कामयाब होगा। वो बोलता है मुझे भी पूरा विश्वास है मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। वो ताली कैसे बजाते हैं ताकि कोई देख नहीं ले, चुपके चुपके नीचे नीचे। अच्छा, मालूम है ऐसे लोग कौन इस धरती पर, अपने माँ बाप पर, अपनी अपलाइन पर? बोझ। तो कितने सारे अपलाइन ऐसा बोझा ढोते ढोते जय। आप तो बोझ नहीं होना, याद रखना ये बिजनेस बोझ बनने का नहीं है। अगर आप अपने अपलाइन पर बोझ बन के बिजनेस कर रहे हो तो विश्वास करो 50 साल तक रॉयल्टी नहीं रहेगी। ये बिजनेस बोझ बनने का नहीं है, बल्कि जो हजारों लाखों लोगों का बोझा ढोने की शक्ति रखता है वही आसन का स्थान उपयोग है। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जोश मर चुका है, जिनके अंदर सारा एक्साइटमेंट मर चुका है, जिनके सारे सपने मर चुके हैं, जिनके अंदर सारा विश्वास मर चुका है। वो जिंदा इसलिए हैं क्योंकि अभी तक मरे नहीं। वो ताली कैसे बजाते हैं? वो ताली ऐसे बजाएंगे लगेगा किसी का देहांत हो गया। उनसे जो मिलता है वो निगेटिव हो जाता है, उनसे जो मिलता है उसका कैरियर तबाह हो जाता है, उनसे जो मिलता है उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। और याद रखना ये बिजनेस
जिंदा लोगों को मुर्दा करने का नहीं है, बल्कि मुर्दा लोगों को जिंदा करने का। अभी अंदर से कुछ हल्का लग रहा है, पूरी बॉडी में एनर्जी लग रही है, ये भी साइंटिफिक है। जिस तरह से इस हॉल में जितने भी फैन ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, उनका एक स्विच बोर्ड बना हुआ है। अगर आपको फैन चालू करना हो तो उसके पास जाकर घुमाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से स्विच दबाओ फैन ऑन, स्विच दबाओ लाइट ऑन, स्विच दबाओ एसी ऑन। उसी तरह से हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी बॉडी के अंग हैं, उन सबका स्विच हाथों में। जब आप ताली बजाओगे तो आपके बॉडी के जितने भी अंग हैं उनका स्विच ऑन हो जाएगा, और वो आपके बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा और उसकी रिपेयरिंग चालू करेगा। आपको शायद पता नहीं है, ताली बजाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती है, इसलिए ताली बजाने का कोई मौका मिले छोड़ना मत। बस एक चीज का ध्यान रखना, किसी चौराहे पर जाकर ताली मत बजाना। शरीर गर्म हुआ, हाथ गर्म हुए, और आश्रम का सिद्धांत है, जो जितने जोश के साथ अपने हाथ को गर्म करेगा, आश्रम उसकी पॉकेट को उतने ज्यादा गर्म करेगा। तो कैसे हैं आप लोग? मुझसे नहीं पूछेंगे मैं कैसा हूं, एहसान कर रहे हो? ठीक से पूछो, सब लोग एक साथ पूछो। मैं अच्छा नहीं, पता नहीं आजकल मुझे नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती है, दिन में भी चैन नहीं मिलता है, रात को भी चैन नहीं मिलता है। और ऐसा मत समझना कि मुझे कोई प्यार नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जब तक आप सब लोग की रॉयल्टी टेक्निकल स्टार भी नहीं आएगा, तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी, तब तक मुझे नींद नहीं लगेगी। आने वाला है कि वो प्रोडक्ट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आरसीएम बिजनेस में मिलेगा। और न्यूट्री चार्ज भी एक ऐसे प्रोडक्ट पर रिसर्च चल रहा है, जिस दिन वो लॉन्च हो जाएगा पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा।
अकेला एक प्रोडक्ट आपको शिकागो भी बना देगा। तैयार हो? अभी शुरुआत होगी। एक एक प्रोडक्ट स्टार रूबी के बराबर होगा। सिर्फ देखते जाओ, अभी खेल चालू होगा। सारी कंपनियां एक खुशखबरी हो जाए, बता दो। आरसीएल में अब लखपति बनने का जमाना गया, करोड़पति बनने का भी जमाना गया। 2020 में आ रहा है आरसीएल बिजनेस में अरबपति बनने का जमाना। अभी आरसीएल ने 8 से 10 अचीवर अरबपति बन चुके हैं। मैं भी लाइन में ले अगला नंबर किसका है? कितने लोग अरबपति बनना चाहते हैं? जिसका हाथ नहीं उठेगा उसका कैंसिल हो जाएगा। ये देखो, ये हाथ नहीं, ये टावर है, और टावर को एकदम सीधा रखो। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो पड़ोसी बन जाएगा। तो बनना चाहते हो? yeah! तो ऊपर से पूरा सिग्नल पकड़ लो। बोलो। तो आज से करोड़पति बनने का सपना कैंसिल। किसका देखना है? करोड़पति बनने का। तैयार हो? yeah! चलिए, आज हमारे बीच में नए मेहमान कितने हैं जो पहली बार आरसीएल को समझने के हैं? एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे जितने हमारे नए गेस्ट, न्यू गेस्ट, और एक बार इन सब का वेलकम हम लोग जोरदार तालियों से करेंगे। जोरदार तालियों से। जो नए मेहमान हैं, जो हमारे नए गेस्ट हैं, वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही खुशनसीब हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये बात उनको पता ही नहीं है। उनको पता नहीं है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम अनमोल होती है। इसका मोल वही जान सकता है जिसके पास आती है, लेकिन पता नहीं। जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे? तो देखिए, अभी तक आपको आरसीएल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। आरसीएल के प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्री चार्ज के बारे में, न्यूट्री चार्ज के बारे में आपको बहुत सारे, आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हमारे न्यूट्री चार्ज के सीनियर ट्रेनर मिस्टर संजय राय जी ने। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बिहार में न्यूट्री चार्ज का जितना बड़ा टर्नओवर होता है, और उनमें संजय राय जी की ट्रेन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब न्यूट्री चार्ज लॉन्च हुआ तब से ये आरसीएल में लगातार पूरे इंडिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर्टिकुलर बिहार में इन्होंने कमान संभाली। तो मैं समझता हूँ संजय जी के लिए बहुत ही स्पेशल ताली जरूर होनी चाहिए।
प्लान के बारे में, डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब, क्राउन क्लब क्या होता है, वेटल प्लेस क्या होती है, रॉयल्टी इनकम क्या होती है ना? और अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। आरसीएम में क्या प्रोडक्ट है, क्या है और क्या आने वाले है। आरसीएम बिजनेस में आपका करियर कैसा बनेगा, पैसे के अलावा आरसीएम बिजनेस में आपको क्या क्या और हासिल हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है डायरेक्ट सेविंग बिजनेस को लेकर, आरसीएम की फ्यूचर पॉलिसीज क्या है, इसमें कितनी सिक्योरिटी है आपको, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे फार्मूला ऑफ सक्सेस, किस तरह से अगले 5 साल तक आरसीएम में काम करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग चर्चा करेंगे द विजन, आरसीएम का भविष्य, आने वाले 5 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल में आरसीएम में क्या क्या प्रोडक्ट आने की संभावना है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद मीटिंग खत्म होगी और मीटिंग खत्म होने के बाद में आज हमारे नए मेहमानों को आज एक निर्णय लेना है, डिसीजन, कि आरसीएम के लिए हाँ बोले कि ना बोले, यस और नो, सिंपल। मेरे पास भी 16 साल पहले ऐसे ही आरसीएम आया था, 16 साल पहले। मैं संजीव गोयनका कोलकाता में रहता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, कभी इस तरह का बिजनेस किया नहीं, स्टेब्लिश बिजनेस, अच्छी इनकम, मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं। और सच बताऊँ मैंने आरसीएम अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया, मेरे जीजा जी ने मुझे आरसीएम में जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया, उनको भी बिजनेस मैन है, उनको भी किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया ऑब्लिगेशन पर, और उनको बोला अंकल कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना है, और उनको 2 फीट थमा दिया, और उनको भी किसी को ऑर्गेनाइज करना था, बोला ठीक। जिस दिन वो ज्वाइन हुए, 2 फीट में लेकर घर पहुंचे, संयोग से उसी दिन में उनके घर गया हुआ था, और मुझे देखते ही वो समझ गए कि मुर्गा मिल गया। और उन्होंने ना मेरे पास आए, ना मुझे कंपनी का नाम बताया, ना आरसीएम का प्लान बताया, क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम था। और एक फॉर्म निकाल के मेरे सामने सीधा आदेश दिया, बोले बोले चल साले साइन कर, और किसी साले की मजाल नहीं है कि जीजा को। हेलो, और सच बताऊं आज भी यहाँ पर बहुत सारे साले फंसे हुए। तो देखिए आरसीएम में ऐसा ही होता है, आरसीएम बिजनेस में 1,80,00,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, अभी 1,90,00,000 का सीन चल रहा है, 1,91,00,000 का, मतलब 1,90,00,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और मजे की बात तो है इनमें से एक भी व्यक्ति अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आरसीएम का सिद्धांत, आरसीएम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं करता है, जो भी करता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से ज्वाइन करता है। तो अगर आज आप यहां पर पहुंच चुके हैं, तो चाहे माध्यम कोई भी बना हो, लेकिन मर्जी किसकी है, वो आपको बड़ा कुछ देना चाहता है, पैसी भी आपके 7 जनरेशन की सिक्योरिटी, आपके 7 जनरेशन की सौगात, वो आपको देना चाहता है, इसीलिए आरसीएम में पहुंचा दिया। बस बोलना चाहिए। तो मैंने भी जीजा जी का सम्मान रखने के लिए फॉर्म भर दिया, उन्होंने मेरे को भी एक किट थमा दी, मैं घर पहुंचा, घर पहुंचकर उस किट को ऐसे कोने में छुपा के रखा ताकि वो जिंदगी में मुझे कभी नजर नहीं आए, क्योंकि ना तो इस तरह का बिजनेस कभी किया था, ना कभी करने का इरादा था, और मेरा जो धारणा थी ऐसे, तो इस तरह के बिजनेस से मेरी बहुत ही घृणा थी, और मैं आरसीएम को भूल गया,
तीन चार महीने तक मैं कोई काम भी नहीं किया। तीन चार महीने के बाद अचानक वो किट मेरे फिर सामने आ गई। कोई किसी ने सफाई फाई में किट निकाली होगी, वो फिर सामने आ गई। तो मैंने जिज्ञासा बस खोल के देखा क्या है उसके अंदर। खोल के देखा तो उसका निकला तीन पैंट और तीन शर्ट का पीस और एक कागज निकला जिसमें आसन का प्लान प्रिंट किया था ब्लैक एंड व्हाइट में। उस जमाने में क्या वही एक टूल्स होता था, बाकी कोई टूल्स आता नहीं था। और उसमें एक कैलकुलेशन दिया हुआ था, तीन गोले बने हुए थे यू ए बी बोला। जिसमें ए में अगर आप 45 होगा, बी में 45 होगा, आपकी खुद की खरीदारी की होगी, तीनों मिलाकर टोटल रिजल्ट होगा। बाद में कमीशन स्लैब का चार्ट दिया हुआ था, बोला आप ये कमीशन स्लैब क्वालिफाई करेंगे, बाद में उसमें से ए का कमीशन माइनस होगा, बी का कमीशन माइनस होगा और जो नेट बचेगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और नीचे एक लाइन लिखी हुई कि जो पौधे पेड़ की छाया में बनते हैं वो कभी पेड़ नहीं बन सकते, और जो पौधे हर सर्दी हर गर्मी हर बारिश हर आंधी तूफान को सहते हैं वही सबसे बड़ा पेड़ वही सबसे बड़ा वृक्ष बनते हैं। और नीचे लिखा हुआ था बाय टीसी छावड़ा। बात में तो दम है, बिजनेसमैन कैलकुलेशन देखा तो बोला चलो रिसर्च करते हैं ये किस तरह का बिजनेस है ना, चलो ये बार रिसर्च करते हैं। मैंने अपना कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर में इस पूरे बिजनेस का रिसर्च करना चालू किया, इसका इतिहास देखा क्या है इसको। तो पता चला देखें कब से शुरू हुआ, पता चला कि ये बिजनेस कोई नया तरह का बिजनेस नहीं है। 2003 में 54 साल से ये बिजनेस चल रहा था 125 देशों में। आज कितने होंगे 2016 साल एड करो कितने होंगे 70 साल से इस तरह का बिजनेस पूरी दुनिया में 125 देशों में चल रहा है। बोलो कमाल है, पूरी दुनिया में चल रहा है हमें पता ही नहीं। पता चला अमेरिका में 40% से ज्यादा लोग इस तरह के बिजनेस में आ चुके, यूरोप में 28% लोग, चाइना में 15% लोग, जापान में 8% लोग, कोरिया में 12% लोग और पूरे एशिया को मिलाएंगे तो 19-20% के आसपास लोग इस तरह की इंडस्ट्री में आ चुके हैं। इंडिया में ही आया बहुत लेट से 97 में, और इसीलिए इंडिया में अभी 1% से भी कम लोग अभी तक इस इंडस्ट्री में आए हैं। कमाल, एक अर्थशास्त्री ने बताया कि पूरी दुनिया में आने वाले भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कैसे बनेगी जानना चाहोगे? देखो मान लो आप एक कार में जा रहे हो और आपसे दूसरी कार 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर वो 100 किलोमीटर दूर वाली कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आप जा रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एक पॉइंट पर आगे कौन आगे होगा? कौन आगे होगा? 100 किलोमीटर होगा, एक पॉइंट पर आते उससे वो आगे चलेगा। उसी तरह दुनिया में सारी इंडस्ट्रीज, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो एफएमसी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, सारी इंडस्ट्रीज जो है हर साल 4-5% मैक्सिमम ग्रोथ करती है, हर साल 4-5%। लेकिन एकमात्र है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो हर साल 40% से ज्यादा की ग्रोथ कर रही है। 40%। तो बताओ दुनिया की नंबर वन इंडस्ट्री बनने से कोई रोक पाएगा? सिंपल, उसी तरह से अभी पूरी दुनिया में कई कई बिलियन डॉलर का इसका बिजनेस होता है पूरी दुनिया में, जिसमें 70% का बिजनेस मल्टी लेवल मार्केट के माध्यम से होता है। बोला कमाल, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इतना बिलियन डॉलर का टर्नओवर होता है, बोला कई लाख करोड़,
तो मैंने देखा चलो चेक करते हैं इंडिया में इसका क्या स्कोप है। मैंने पूरा रिसर्च किया कि इंडिया में ऑक्सीजन का और इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है। तो करते करते अगले 5 साल 25 साल 50 साल 100 साल में क्या हो सकता है, और जो आंकड़े मेरे सामने आए उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। जिस बिजनेस को मैं छोटा समझ रहा था, जिस बिजनेस को मैं घटिया समझता था, जिस बिजनेस से मैं घृणा करता था, मुझे उसी दिन मालूम पड़ गया कि आने वाले समय में भारत की भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें नंबर वन पे होगा ऑक्सीजन। अभी पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बादशाह है, किंग है, वो है अमेरिका। पूरी दुनिया में जितना डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर होता है उसका 60% टर्नओवर अकेले अमेरिका में होता है। यानी पूरी दुनिया का बिजनेस एक तरफ, अमेरिका का बिजनेस, अभी वो किंग है, बादशाह है। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट ने, एक अर्थशास्त्री ने कहा, अभी रिपोर्ट दी 6 महीने पहले रिपोर्ट दी है, बोले 2030 में पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह बनने वाला है वो है इंडिया। यस बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात मुझे इस बिजनेस में नजर आई वो था मेरा बचपन का सपना। बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक महान व्यक्ति की आत्मकथा में पढ़ाई गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि देश ने आपको क्या दिया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपने देश को क्या दिया। तो मुझे लगा बात में दम। अब देखो हर इंसान हमेशा यही सोचता है कि मुझे क्या मिला, मेरे बाप आपने मुझे क्या दिया है ना, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया, बड़े भाई ने क्या दिया, चाचा ने क्या दिया, ताऊ ने क्या दिया है ना, सरकार ने क्या दिया, समाज ने क्या दिया, और ससुर ने क्या दिया। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैंने अपने परिवार को क्या दिया, मैंने अपने समाज को क्या दिया, मैंने अपने देश को क्या दिया। और उसी दिन से मेरा बचपन में सपना था कि बड़ा होकर कोई काम ऐसा जरूर करना है जिससे मैं भी अपने देश, अपने समाज और भारत के लाखों करोड़ लोगों के विकास में अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सकूं। और मुझे लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है आरसीएल बिजनेस जिसके माध्यम से हम भारत के लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। समाज सेवा करना चाहते हैं आप लोग, देश सेवा करना चाहते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कि दिल से, कितने लोग करना चाहते हैं आप? तो एक बार यकीन से बोलो, बोलो याद रखो। देखो सेवा दो तरह की होती है, एक सेवा वो होती है जिसमें कोई मेवा नहीं मिलता है, और एक सेवा वो होती है जिसमें भरपूर मेवा मिलता है। आप कौन सी करना चाहोगे? मेवा वाली। तो ये फेन बंद करो, बंद करो, इससे डिस्टर्बेंस होगा। देखो एक सेवा वो होती है जो ज्यादातर लोग होते हैं, 99% लोग वही करते हैं सेवा, मालूम क्या, जिसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई काम नहीं है, आराम से, कोई भूखा है खाना खिला दिया, ले खा ले। अब इसमें क्या दिक्कत, कोई आपको मेहनत हुई, कोई खर्च हुआ, कुछ नहीं, इसका कोई मेवा नहीं मिलता। कोई गरीब है, आपने कुछ उसको पैसे से मदद कर दी, ये 10-20 रुपये 100 रुपये देकर मदद कर दी है ना, क्या लगता है आपको, कुछ नहीं बिगड़ा, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं हुआ, निकाला दे दिया, इसका कोई मेवा नहीं मिलता। क्योंकि जब हम इस तरह की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उससे उसकी टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन उसका जीवन नहीं बदलता है। उसका कोई जीवन, अगले टाइम वो वापस भूखा है,
सच्ची समाज सेवा वो होती है जब किसी व्यक्ति को आप अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाते हो, अपने परिवार का बोझ उठाने के काबिल। तो इस बिजनेस में आप थोड़ी मेहनत करके उसके साथ काम करके एक व्यक्ति को खड़ा करते हो ना, इसलिए पुण्य का बैंक जो है वो लबालब भर जाता है। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा लेकिन उससे कई गुना बढ़ेगा आपका पुण्य का बैंक, और वो आपकी 7 जनरेशन में ट्रांसफर होगा। यस बोलना चाहिए, करना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि यस ये बिजनेस करना चाहिए, लेकिन सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है। जब रियलिटी का सामना होता है, जब यथार्थ का सामना होता है, तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। मैंने डिसीजन तो लेके यस करना है, लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो होश उड़ गए, क्योंकि जिस वक्त मैंने शुरू किया बिजनेस उस वक्त पूरे बंगाल में आश्रम का नामो निशान था। ना तो वहां का कंपनी का कोई डिपो था, ना कोई पिकअप सेंटर था, ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई सेमिनार होती थी, ना कोई ट्रेनिंग होती थी, ना कोई कैटलॉग, ना कोई प्लान बुक, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना कोई समझाने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई गाइड करने वाला, ना कोई सपोर्ट करने वाला। और माल भी लेके आना पड़ेगा भीड़ वाला से 2200 किलोमीटर दूर। अगर ऐसी परिस्थिति में आपके पास आश्रम आता तो यस बोलते कि नो बोलते? और देखो जबकि मुझे आश्रम की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे एक सच्ची घटना याद है, सुनना चाहूं? Yes! ये बंगाल की एक सच्ची घटना है, बहुत पुरानी सच्ची घटना है। दो फुटवेयर कंपनी हुआ करती थी, जूते चप्पल बनाने की, अभी भी है। दोनों में आपस में बहुत कंपटीशन चलता था। एक कंपनी ने अपने मैनेजर को एक आइलैंड पर टापू में भेजा, बोला जाके पता लगाओ कि वहां पर जूते चप्पल का मार्केट कैसा है। जब वो वहां पर सर्वे करने गया तो वहां पर देखा टापू पर कोई भी जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, सारे आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं, उन्हें कपड़े देखने नहीं पहनते। तो बेचारा देख के बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर कंपनी फोन किया, बोला सर यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई मार्केट नहीं है। बात खत्म हो गई। दूसरी कंपनी को पता चला, उसने बोला अपने मैनेजर को, बोला तू भी सर्वे करके आओ। जब वो सर्वे करने गया तो देखा कोई जूते चप्पल पहनता नहीं है, लेकिन वो देख कर खुश हो गया, बड़ा एक्साइटेड हो गया, बड़ा खुश हो कंपनी फोन किया, बोला सर अभी तक यहाँ पर किसी ने जूता चप्पल पहनना शुरू नहीं किया है, यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, एक दिन सबको जूता चप्पल पहना देंगे। ये घटना हुई थी अंडमान निकोबार, बाटा कंपनी ने वहां पर सबको जूते चप्पल पहनाए। अब देखो दोनों ही बड़ी कंपनी के मैनेजर थे, दोनों ही अनुभव थे, लेकिन दोनों में फर्क क्या था? क्या फर्क था? सोच का फर्क था। एक की सोच निगेटिव थी, एक की सोच छोटी थी, एक की सोच और आपको बता दूं आपकी बिजनेस भी बड़ी सोच का बिजनेस है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है। इस बिजनेस में आप गांव से है कि शहर से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस पैसा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ लिखे हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है या बुरी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बोलना आता है या नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आसन को लेकर आपकी सोच बड़ी है तो कोई माइक का लाल आपको अनुभूति बना सकेगा। इसको इस बिजनेस को कभी छोटा समझने की भूल मत करना। इस बिजनेस के सामने कई कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री खेल है। जैसे इस बिजनेस को आपने छोटा समझा आपका खेल खत्म। इसके सामने कई कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री खेल है, जाना चाहो बताओ? मेरे ग्रेट अपलाइन जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं,
जिससे मेरी मुलाकात एक साल एक से डेढ़ साल बाद हुई। ऊपर जाते आते खुशक होते एक मिला, उसके बाद मैंने उनको गुरु बना लिया। आज मैं उनको गुरु मानता हूँ। वो मेरे पिता समान भी है, भाई जैसे भी है, दोस्त जैसे भी है। मेरी कामयाबी में आज उनको बहुत बड़ा हाथ है। और मेरी भावना ऐसी है उनके प्रति, अगर मुझे 7 जन्म मिले तो हर जन्म में मैं चाहूंगा कि मुझे अपलाइन के रूप में एक ही व्यक्ति मिले, वो है मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी। उनका टर्न ओवर जानना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, किसी को बताऊंगा तो नहीं। उनका टर्न ओवर, हाईएस्ट टर्न ओवर जो हुआ था वो था 300 करोड़। साल का नहीं, उनका साल का हाईएस्ट टर्नओवर गया था 3000 करोड़। एक काम करता हूं मैं आपको 5000 करोड़ रुपया फाइनेंस करता हूं, 5000। और ये लो, और आप कोई उद्योग लगा लो, कोई इंडस्ट्री लगा लो, और आपको 3 साल का टाइम देता हूं, और 3 साल के बाद आप मुझे 3000 करोड़ का सालाना टर्नओवर दिखा दो। दिखा पाओ? चलिए 10000 करोड़ में देता हूं, और 5 साल का टाइम देता हूं, 5 साल के बाद 3000 करोड़ का टर्नओवर करके दिखा दो। इंडिया में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 50000 करोड़ लगा रखा है, 1 लाख करोड़ लगा रखा है, और एक एक 2-2 हजार करोड़ के टर्न ओवर तरसती है। सोचो कितना बड़ा टेंशन लेते हो, इतना पैसा खुद का लगाया, इतना बैंक से लिया, इतना पब्लिक से लिया, इतना टेंशन, इतना बड़ा रिस्क, इतना टर्न प्रेशर। और मेरे ग्रेट अप्लाइन ने कितना पैसा लगाया, कितना लगाया? क्या उनको फैक्ट्री खोलनी पड़ी? No. क्या दुकान खोलनी पड़ी? No. क्या स्टाफ रखना पड़ा? No. लेकिन टर्नओवर ये घटेगा नहीं बढ़ेगा? कोई रोक पाएगा? याद रखना, इस बिजनेस को कभी छोटा समझने की भूल। तो मैंने देखा कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, कंपनी का कैश रिच कंपनी है, लायबिलिटी फ्री कंपनी है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी है। और 1977 से ये कंपनी एक एस्टेब्लिश कंपनी है, रेपुटेशन है, गुडविल है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के मालिक बहुत ही सच्चे, ईमानदार और आध्यात्मिक व्यक्ति है। उन्होंने आपसे बिजनेस को एक मिशन के रूप में लॉन्च किया है। उनका जो मिशन है, जो उद्देश्य है, वो बहुत महान है। उनका उद्देश्य है इस बिजनेस को लेकर, वो है आर्थिक आजादी का अभियान, नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, हरित क्रांति। इतने महान महान उनके उद्देश्य है, इसको सोचने के लिए भी जिगर चाहिए। और उन्होंने न केवल सोचा, अभियान की शुरुआत कर दी और आज ये घर घर में पहुंच गया है। उनका जब डेडिकेशन देखता हूं, उनका समर्पण भाव देखता हूं इस बिजनेस के प्रति, तो मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि जब जब इस धरती पर घोर अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो हमेशा ऊपर वाला किसी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उस अत्याचार को खत्म करता है। इतिहास गवाह है, रावण को मारने के लिए राम के रूप में जन्म लिया, कंस को मारने के लिए कृष्ण के रूप में जन्म लिया, भारत को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के रूप में जन्म लिया, और भारत को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए तिलोक चंद्र। तो उसी को सबका ओके यस जरूर करेंगे।
एकदम फाइनल डिसीजन हो गया कि जरूर आसन करना है। एक बार मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, एक बार बहुत ज्यादा पीड़ाएं सहनी पड़ेगी, एक बार बहुत ज्यादा कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन वक्त आएगा कि हरे कृष्णा हरे हरे आसन हरे और आज वैसा ही हो रहा है। हेलो, घर घर में आसन घुस रहा है। कभी तो पता नहीं चला कब घुस गया। उसको 2 महीने बाद पता चला कि मैं आसन में तो घुस गया। तो देखो, अभी भारत की आबादी 135 करोड़ की है, जिनमें से 1,90,00,000 लोग आ चुके हैं, और जो लोग अभी नहीं आए, अगर उनसे भी आप पूछोगे, बात करोगे आशियम, तो बोलेगा हाँ सुना है, और अगर सुना है तो जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। बंगाल बोलते मात्र एक व्यक्ति शुरुआत हुई थी आसन की, आज 1,90,00,000 है। और आपको बता दूं, अगले 5 साल में 5 करोड़ नए लोग आश्रम ज्वाइन करने वाले हैं। आप कैलकुलेशन लगा लो, अभी एवरी मंथ हर महीने 5 लाख से ज्यादा नए लोग आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं। ये घटेंगे नहीं बढ़ेंगे? अब अगले 5 साल में आप कैलकुलेशन लगा लो, 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग आश्रम ज्वाइन करेंगे। मात्र एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी आसन की, पैंपिस से, आज 900 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और अगले 5 साल के अंदर आसन लाखों प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारियां कर रहा है, लाखों प्रोडक्ट। मात्र एक पिकअप सेंटर से शुरुआत हुई थी आसन की, आज इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा सेंटर है। अगर इंडिया का मैप खोलोगे और उसमें डॉक्स लगा हुआ कहां का आसन का पिकअप सेंटर है, तो जो तस्वीर आपके सामने आएगी आपके यहां से भाग जाएगी। आपको नजर आएगा कि हर 50 किलोमीटर में हो सकता हो इंसान नजर नहीं आए, लेकिन आसन का पिकअप सेंटर जरूर नजर आएगा। हमने बंगाल में जो पहला पिकअप सेंटर खोला था वो कैसा था जानना चाहिए? जानना चाहिए? जाना चाहोगे? yes. तो देखिए, एक हमारे सज्जन व्यक्ति थे, उनका घर था, खुद का घर, उसके सामने एक दरवाजा था, उसको खोलकर अंदर घुसेंगे तो वो था उनका ड्राइंग रूम, बैठक घर, जहाँ पर सोफा बना हुआ था गेस्ट के लिए, है ना, और उसके सामने एक दरवाजा और था, उसको खोलकर अंदर घुसेंगे तो वो था उनका बेडरूम। बेडरूम में एक पलंग लगा हुआ था खाट, और उसके नीचे था पिकअप सेंटर। लोग पूछते थे दुकान कहाँ है, बोले बिजनेस तो ठीक है लेकिन दुकान कहाँ है, बोले आओ दुकान दिखाते। जैसे वो दुकान देखते थे 98% लोग बोलते थे जय आरसी। बाद में वो पिकअप सेंटर उनके पलखार से निकलकर उनकी अलमारी में आया, अलमारी से निकलकर उनके ड्राइंग रूम में आया, वहां से निकलकर उनके छोटा सा गैराज में आया, गैराज से निकलकर छोटी दुकान में आया, छोटी दुकान से थोड़ी बड़ी दुकान में आया, बड़ी दुकान से आरसीएम बाजार में आया, और अगले 5 साल में आरसीएम बिजनेस बड़े बड़े मॉल के रूप में आने वाला है।
अभी फाइनल हो चुका है वंडर वर्ल्ड, फर्नीचर का डिजाइन भी रेडी हो चुका है और इस साल में खुलने चालू हो चुके हैं और अगले 5 साल में ये पूरे इंडिया में और बड़ा रूप लेंगे। मल्टी स्टोरेज आपको मॉल मिलेंगे आज से, देखिए 5 साल बाद इतने बड़े बड़े मॉल होंगे। एक नया व्यक्ति जिसका अभी अभी KYC ओके हुआ ना, वो अभी अपने 30-40 लोगों को इन्वाइट करके उस मॉल के अंदर घुसेगा, यहाँ से एंट्री लेगा और एंट्री लेकर पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर में शॉपिंग करते 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 जब वो एग्जिट होगा, बाहर निकलेगा, आरसिंह का रॉयल्टी अचीवर होगा। विश्वास है? विश्वास है? अगर विश्वास नहीं है तो भी ऐसा होगा, मालूम क्यों? अभी हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ना छोटे छोटे कम दाम वाले प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगले 5 साल में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, एक प्रोडक्ट लेगा 2 लाख के लिए, एक प्रोडक्ट लिया 3 लाख के लिए, हेलो यस, एक प्रोडक्ट लिया 50,000 के लिए, यानी 2-4-5 लोग को जुड़ाया रॉयल्टी, हेलो विश्वास है? So, मात्र एक रॉयल्टी चिम हुआ था पहले साल में, 2 रॉयल्टी हुआ और आज हजारों की संख्या में है, आने वाले 5 साल में लाखों की संख्या में होंगे। दो साल में मात्र एक टेक्निक हुआ था, आज हजारों की संख्या में है, आने वाले 5 साल में लाखों की संख्या में होंगे। पहले साल में आसन का टर्नओवर मात्र 50 लाख रुपए का था और हाईएस्ट टर्नओवर 3,000 करोड़ का हुआ और आने वाले 5 साल में आरसिंह का टर्नओवर 15,000 करोड़ का होने वाला है। क्या लगता है? अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं कि नो, मुझे तो आरसिंह बिजनेस नहीं करना, क्या लगता है कि ये 5 करोड़ जो नए लोग ज्वाइन करने वाले हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे? हजारों प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, लाखों प्रोडक्ट लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे? बड़े बड़े मॉल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? लाखों अचीवमेंट पैदा होंगे कि नहीं होंगे? आपके नो बोलने से कोई फर्क पड़ेगा? नो। लेकिन अगर आपने भूल से बोल दिया यस मुझे आरसीएम करना है, तो मालूम है रिएक्शन क्या होगा? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। उस एक यस का रिएक्शन मालूम क्या होगा कि आने वाले 5 साल के अंदर जो 5 करोड़ लोग ज्वाइन होने वाले हैं उनमें से 2-3 लाख लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपको कामयाब करेंगे। यस बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अब मुझे बताओ आपसे में इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना है? रिस्क कितना है? लॉस कितना है? उसके बाद भी लोग सोचते हो होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं करूंगा? सोचो, खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आने के लिए। देखिए मैं बिजनेसमैन हूं, मारवाड़ी हूं, बनिया बुद्धि यह बोलती है कि जिस धंधे में खोने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ आने के लिए है, सबसे पहले वो धंधा करना चाहिए। अब देखो क्या है, आम आदमी जो है बड़ा भोला होता है और दूसरा उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। भारत के आम आदमी की एक सबसे बड़ी कमजोरी है पूरी दुनिया में, जानना चाहोगे? जिसका फायदा बहुत सारी गलत कंपनियां उसको इस्तेमाल करके आपसे फायदा लेती है, जानना चाहोगे? वो कमजोरी है रातों रात करोड़पति बनने की। हर इंसान की कमजोरी है कि बिना कर्म के कैसे करोड़पति बन जाए। हर इंसान की यह है कि मैं सुबह उठूं तो करोड़पति बन के ही उठूं। यह हर इंसान की कमजोरी है।
और इसी कमजोरी का फायदा जो है वो कई गलत कंपनी आती हैं और ऐसा प्लान लेके आएंगी कि हर कमजोर आदमी फंस जाएगा। वो उनकी मानसिकता को, साइकोलॉजी को समझती है और उन्हीं के अनुसार अपना प्लान लेके आती है। प्लान कैसा होगा बता? आपको कोई काम नहीं करना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट करो, है ना, और आप काम दो साल में, तीन साल में, दो महीना, चार महीना, अभी कुछ कंपनियों ने नया फंडा लेके आई थी, नया फंडा, एकदम नया कॉन्सेप्ट, क्या कि आप एक काम करो, कोई काम नहीं करना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई प्रोडक्ट नहीं करना, सिर्फ एक बार अपने घर की तीन आईडिया लो, है ना, तीन आईडिया में इन्वेस्ट करो और आपको हर महीने हम फिक्स इनकम देंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, दो साल तक देंगे। यानी अगर आपने 15,000 दिया तो 2,00,000 देंगे। तो अब लोग सोचते हैं कोई काम नहीं करना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना, उनको हम लोग वेलकम करते हैं, हाँ 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 वेलकम, आज पूरा आ जाओ और बैठो, चाय नाश्ता करो, हाँ, और एक काम करो, मेरे को पूरा लूट दो, ये लो मेरे 2,00,000 रुपये ले जाओ, ये लो मेरा सोना गहना ले जाओ, ये लो मेरा FD ले जाओ, मेरा पूरा पैसा लूट दो। और बाद में जब वो 6 महीने बाद, साल भर बाद जब कंपनियां बंद होती हैं तो छाती पीट पीट रहते हैं, दुनिया में ज्यादातर कंपनियां आपकी पॉकेट से पैसा निकालने के लिए आती है, आपकी पॉकेट भरने के लिए ऐसी कंपनियां आई है वो है आपसे। लेकिन होगा कि जरूर बोलना चाहिए। ये देखिए ज्यादातर कंपनियां आपका हाल क्या करेगा, तो याद रखो अगर कोई भी कंपनी आपको ऑफर दे मार्केट में, कोई भी कंपनी है और अगर ऑफर दे कि आपको कोई काम नहीं करना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, तो समझ लो वो कंपनी आपका ये हाल कर नहीं आई है। इसका एकदम सिम्टम है, आपको इसी तरह बताऊं, कोई भी कंपनी अगर आपको नॉन वर्किंग प्लान लेके आए तो समझ लो वो कंपनी 100% भागने वाली है। सिंपल तरीका है, इसलिए यस बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, थोड़ा रियलिटी में, यहाँ पैसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी कमाई से घर खरीदा हो,
खुद की कमाई से, बाप दादाओं की नहीं। ये देखिए दस, आठ दस लोग हैं जिनमें से आधे आरसी वाले हैं। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास अपनी कार है? एक दो तीन चार, आरसी मारसी 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 ना, जिसके 90% आरसी वाले हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने एरोप्लेन से ट्रेवल किया हो? देखिए इतने सारे लोगों में 15-20 लोग हैं जिन्होंने एरोप्लेन से ट्रेवल किया है, उनमें भी 90% आरसी वाले हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फॉरेन टूर किया हो, विदेश यात्रा, नेपाल बांग्लादेश और भूटान को छोड़कर? एक दो तीन चार पांच, देखो पांच सात दस लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन दिलवा रहे हैं? वो यार दस लोग हैं। और ऐसे कितने लोग हैं, भगवान ना करे, अगर घर में किसी के इलाज के लिए 25 लाख 50 लाख की जरूरत पड़ जाए तो खर्च कर पाएंगे? और ऐसे कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना नहीं चाहते हैं, वो हाथ सारे बनना चाहते और ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं उनके पास में लग्जरियस लाइफ हो, आलीशान जिंदगी? कितने लोग, हाथ उठाओ, जिसका हाथ नहीं उठेगा उसका कैसे हो जाएगा? सब लोग की इच्छा है तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं लग्जरी लाइफ कैसी होती है, देखना चाहेंगे? तो चलिए देखते हैं लग्जरी लाइफ। पैसा चाहिए तो बोलेगा
लाखों रुपया चाहिए तो मैंने कहा करोड़ रुपया चाहिए तो मैंने कहा लेकिन काम करना पड़ेगा। मानो इच्छा रखने वाला व्यक्ति कौन होता है जिसको सब कुछ चाहिए, गाड़ी बंगला है सब कुछ चाहिए लेकिन होम डिलीवरी चाहिए। और याद रखो ऊपर वाले का नियम है जो इच्छा रखता है उनकी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करता है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति रखता है उन्हीं की इच्छाओं को ऊपर वाला पूरा करता है। तो याद रखो there is a huge difference between the will and the willpower. Will अलग चीज है, willpower अलग चीज है। और बोलता हूँ, देखिए जो इच्छा शक्ति रखता है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा, कुछ भी संघर्ष करने को तैयार होगा, कुछ भी बाधाओं को टकराने के लिए तैयार होगा, कितने भी चैलेंज लेने के तैयार होगा, कितने भी निगेटिविटी को सहन करने के लिए तैयार होगा। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? याद रखो इसी को करने का पैसा मिलता है आज से इसमें। कितने लोग तैयार हैं इच्छा शक्ति के साथ में हाथ उठा हुआ और आपकी एकदम टावर सीधा और ऊपर वाले को बोलो इधर, अरे इधर, अरे इधर, बोलो बोलो। और अगले 5 साल में ऐसा जीवन आपको कोई भेज सकता है तो एकमात्र सिस्टम है आपके अंदर। यस बोलना चाहिए लेकिन होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग की ऐसी सोच है मालूम आपको, कुछ लोग की ऐसी फिलॉसफी है कि क्या लेकर आए और क्या लेकर जाए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाए। अरे इतना पैसा कमा के क्या करना है, इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, सोने के लिए खाट चाहिए और मरने के बाद 2 गज। इतना पैसा कमा के क्या? मालूम है ऐसी सोच के लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वाट लगा दी है। ऐसी सोच के लोग जो है वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सोचो, कल्पना करो अगर सारे किसान ऐसा सोच लें कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर आए, खाली जितना 2 वक्त का चाहिए उतना उगाओ बाकी कैसी। तो सोचो क्या होगा अगर सारे बिजनेसमैन, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, जो आपको मिलता है, जो भी हम पहनते हैं, जो भी एक दूसरे चीज का प्रोडक्शन करते हैं, अगर वो सोच ले क्या लेकर आए, क्या लेकर आए। चलो सारी इंडस्ट्री, सारी फैक्ट्रियां बंद करो, सारी ऑफिस बंद करो, क्या होगा सोचो? हाहाकार हो जाएगा ना, आपको कोई सामान, कोई इलाज, कुछ नहीं मिलेगा, बेरोजगारी, सब आदमी बेरोजगार हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था धम से। याद रखो जिंदगी में कभी संतुष्ट मत होना, सेटिस्फाइड मत होना। जो इंसान संतुष्ट हो गया वो उसी दिन मर गया, ही इज अ डेड मैन। संतुष्ट होते ही विकास बंद हो जाएगा। कभी संतुष्ट मत होना। अगर आपको 50,000 रुपये महीना आ रहा है तो बोलो और चाहिए, 5 लाख चाहिए, 5 लाख आने लगे बोलो और चाहिए, 50 लाख चाहिए, 50 लाख आने लगे बोलो और चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, मरते दम तक चाहिए। अगर ऊपर जाने का टाइम आया पैसे मत जाओ, 10-20 खोखा कमा के ही जाओ। और याद रखना ऊपर जाने का टाइम आए तो न्यूटी चार्ज की गोली जरूर खा के जाना, क्योंकि ऊपर पिकअप सेंटर नहीं है। सो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये बड़े बड़े शब्द आपने सुने होंगे, देखे होंगे न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसे काम करती है जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे? देखिए अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है अगर आप ये समझ गए तो
तो आश्रम की सही ताकत को आप समझ जाओगे। आपको अंदाजा नहीं है आश्रम कितनी जड़ों पे काम कर रहा है, देश की उन्नति की जड़ों पे आश्रम काम कर रहा है। अगर उसको समझ गए आप तो आपको आश्रम की सही ताकत अंदाजा होगा। चलिए मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। कोई मुझे बता सकता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर निर्भर है? कब बता सकता? बिजनेसमैन नो, कस्टमर नो, किसान को, किसान को, किसान, किसान को। खड़े बोलो। प्रति व्यक्ति उस आदमी का मंथली इनकम क्या है, तो पर यार जो औसत। हाँ हाँ, एक बार जोड़ो ताली बजाओ, इसलिए जोड़ो ताली। वेरी गुड। उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। उसके ऊपर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है ना? जिस देश में पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा मजबूत होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर किसी की इनकम 5,000 रुपए महीना है तो वो कितनी जगह पर खर्च कर पाएगा? मात्र 5 जगह पर। घर का भाड़ा, बिजली का बिल, राशन पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, बच्चों की फीस, बाकी जाए आरसीओ। क्या वो देश की अर्थव्यवस्था में कोई मजबूत करने में कोई योगदान कर पाएगा? नो, बल्कि सरकार से और मांगेगा, है ना? ये सब्सिडी, वो सहायता, उसको और देना पड़ेगा, वो मदद कुछ नहीं कर पाएगा, और मदद चाहिए उसको। वहीं पर अगर उसकी इनकम 50,000 रुपए महीना हो जाए तो वो 5,000 जगह खर्च करेगा। अब मान लो 50,000 की इनकम आ गई तो हो सकता है एक छोटी सी कार ले ले। अब वो गाड़ी खरीदेगा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी और वहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा हो रहा है। अब देखो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अब कार ले ली तो मानो रिएक्शन क्या होगा? पेट्रोल और डीजल लेना पड़ेगा। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री ग्रो करेगी और वहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा हो जाएगा। अब मान लो पेट्रोल, अब कार लेनी तो गैराज भी लेना, गैराज भी होगा ना, तो कितने सारे गैराज चलेंगे। इसके रिएक्शन आप देखो, कितनी सारी इंडस्ट्री इसके एक कार की मदद से डेवलप होती है ना, और कई कई सिटियां तैयार रहती है एक कार फैक्ट्री की मदद से। तो एक एक एक्शन का रिएक्शन कितना होता है। उसी तरह से मान लो अगर उसकी इनकम 5,00,000 रुपया महीना हो जाए तो वो 500,000 जगह खर्च करेगा। अब देखो 5,00,000 रुपये महीना आ जाएगा तो उसकी सारी ट्रेवलिंग किससे होगी? एरोप्लेन से। और एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा होगा तो अच्छे अच्छे घर खरीदेगा, एकदम ना बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में, एकदम हाई राइज बिल्डिंग्स में। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, पैसा होगा तो अच्छे अच्छे स्कूल में लोग अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तो एजुकेशन सेक्टर में अच्छे अच्छे हाई क्लास इंटरनेशनल क्लास के एजुकेशन सिस्टम खुलेंगे। उसके बाद पैसा होगा तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएगा, तो एकदम हाई क्लास हॉस्पिटल खुलेंगे। हेलो। लेकिन क्या लेकर आए? क्या लेकर जाए? तो देखो हमारे देश में ये देखिए पर कैपिटा इनकम कितनी है। इंडिया में 113 नंबर पर है पर कैपिटा इनकम है 6,572 रुपया, 113 नंबर पर है। 3 नंबर पर सिंगापुर है। सिंगापुर मालूम है आपके बिहार के एक कोने में घुस जाएगा, 400 किलोमीटर में ऐसा हुआ, एक छोटा सा देश जिसके यहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता, सारा चीज इम्पोर्ट होता है ना। उसमें पर कैपिटा इनकम कितनी है? $87,000 एक साल की इनकम है, यानी करीबन 60 से 70 लाख रुपया। ये देखिए जापान $41,000, मलेशिया $27,000, थाईलैंड $16,000। अब आप देखेंगे कि आप चाहे दुबई चले जाओ, चाहे थाईलैंड चले जाओ, चाहे मलेशिया चले जाओ, चाहे सिंगापुर चले जाओ, चाहे यूरोप में कहीं चले जाओ, आप अगर वहां पर आपको गरीब आदमी नजर, वहां पर जो लेबर क्लास का व्यक्ति भी है उसके पास भी अपनी कार है, उसके पास भी अच्छा घर है, उसके पास भी अच्छा रहन सहन है। मतलब क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम है। लेकिन हमारे देश में क्या लेकर आए? और आपको बता दूं, आने वाले समय में भारत के आम आदमी को 5,000 से 5,50,000 तक कोई पहुंचाएगा
तो एकमात्र सिस्टम है यस, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और आज हमारे बीच में ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी पर कैपिटा इनकम को आसिम ने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज वो आसिम के टेक्निकल अचीवर है, आज उनके पास में इतनी परचेजिंग पावर है जिनकी वजह से भारत में कई इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, वो अपना योगदान कर रहे हैं भारतीय इकोनॉमी को मजबूत करने में। ऐसे लोगों से मिलना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे तो एक बार लाइक ला दिए, एक बार जोरदार तालियों से सब लोग।